आपका भी जन्म दिसंबर माह में हुआ है? अगर हाँ तो आप अति विशेष हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी ये माह अति प्रिय है। हिंदू पंचांग में ये माह मार्गशीर्ष और अगहन कहलाता है। मित्रों, शास्त्रों और पुराणों में मनुष्य की जन्म तिथि, उसके नक्षत्र और वार का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता है कि प्रत्येक क्षण में ब्रह्मांडीय ऊर्जा की विशिष्ट शक्ति धाराएं किसी न किसी बिंदु पर किसी विशेष परिमाण में मिलती हैं और मिलन के इन्हीं क्षणों में मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में जन्म की तिथि को बहुत विशेष माना गया है। तो कैसे होते हैं मार्गशीर्ष यानी दिसंबर माह में जन्मे लोग? क्या शांत होते हैं या फिर ये कभी किसी को शांति से बैठने नहीं देते? सफल होते हैं या जीवन भर संघर्ष करते हैं? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपका भी जन्म दिसंबर या फिर मार्गशीर्ष माह में हुआ है तो कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए फिर शुरू करते हैं। हिंदू पंचांग के 9वें और अंग्रेजी कैलेंडर के 12वें महीने में जन्मे जातक चुंबकीय आकर्षण वाले होते हैं, उदार होते हैं। अगर आप इनसे कुछ मांगेंगे तो कभी खाली हाथ नहीं लौटेंगे। यदि ये इसी माह के कृष्ण पक्ष में जन्म लेते हैं तो आकर्षक पर्सनालिटी के साथ स्वभाव से भी पराक्रमी होते हैं। ज्ञान की इच्छा रखते हैं, लेकिन कभी कभी इसी ज्ञान की वजह से अहंकारी भी हो जाते हैं। आलस और अहंकार इनके काम को खराब कर देता है। जमीन से जुड़े रहना इन्हें बेहद पसंद होता है। ये प्रारंभिक जीवन में विलासी, मध्य आयु तक आते आते त्यागमय जीवन जीने की इच्छा रखते हैं। सच के साथ खड़े रहना इन्हें बहुत भाता है, लेकिन ये कभी कभी लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना भी रखने लगते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग इरादों के पक्के होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, लेकिन कभी किसी खास परिस्थिति में नरम भी पड़ जाते हैं। इनकी वैसाख मास वालों से अच्छी जमती है। इन लोगों में सबसे खास बात यह है कि ये बिना तर्क वितर्क किए अपने शत्रु को हरा सकते हैं। चरित्र साधारणतः दृढ़ होता है, लेकिन कभी कभी ये दुराचार की ओर भी झुक जाते हैं। मैनेजमेंट में ये लोग कमाल के होते हैं, मेहनती होते हैं, लेकिन आत्मसंयम और आत्मनियंत्रण रखना इन्हें नहीं आता। छोटी सी छोटी बात को ये बर्दाश्त नहीं कर पाते और अपना अपमान समझ लेते हैं। अब सवाल है, इनका काम, कारोबार और नौकरी कैसी रहेगी? तो आपको बता दें कि ये जीवन में बड़े पद हासिल करते हैं। दिसंबर में जन्मे लोग स्वभाव से बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। इसलिए जिस भी क्षेत्र में या वर्क प्लेस में हो, हमेशा किसी बड़े पद को हासिल करने की कोशिश करते हैं। हालांकि कभी कभी इनका स्वभाव बहुत रहस्यमयी हो जाता है, जिसे समझना कभी कभी बहुत मुश्किल होता है। जो भी हो, परिवार की जरूरतों को ये अपना कर्तव्य समझकर पूरा करते हैं। मित्रों, आपके जन्म तिथि की एक और खास बात है। अगर आप दिसंबर यानी अगहन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, तृतीया, अष्टमी, एकादशी, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि में जन्मे हैं तो आप मध्यम कोटि के धनी होंगे। सप्तमी, नवमी, दशमी तिथि में जन्मे हैं तो साधारण धनी और चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथि में जन्मे हैं तो अल्प धनी या पैसों की कमी से जूझते रहेंगे। किंतु अगर आप दिसंबर यानी अगहन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी या चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथि में जन्मे हैं तो साधारण धनी, तृतीया, चतुर्थी में जन्म लेने वाले निर्धन, शेष तिथि जैसे षष्ठी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी में जन्मे हैं तो खूब धन दौलत कमाएंगे। इस महीने जन्मे लोगों का लकी नंबर 1, 3 और 8 होता है। इन लोगों के लिए पीला, भूरा, लाल और बैंगनी रंग बहुत शुभ होता है। इसलिए इन्हें जितना हो सके इन रंगों के कपड़े और चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए आपको जाते जाते बताते चले कि आप किस सेलिब्रिटी के साथ अपना जन्मदिन शेयर करने वाले हैं। दिसंबर माह में आप पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आचार्य रजनीश, ओशो, मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, बॉलीवुड में अपने जमाने के मशहूर कलाकार धर्मेंद्र, साउथ के मशहूर कलाकार रजनीकांत, गोविंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, अनिल कपूर, रितेश देशमुख, शतरंज के माहिर विश्वनाथ आनंद के साथ अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। तो दोस्तों, खेल हो, राजनीति हो या फिर अध्यात्म, दिसंबर में जन्मे लोग बहुत खास होते हैं। क्या आपका भी जन्म हुआ है दिसंबर माह में? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे जितना हो सके अपने दिसंबर माह में जन्मे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।